छेड़छाड़ के आरोप में भोपाल के बीजेपी पार्षद रवि वर्मा के साथ महिलाओं ने मारपीट कर दी। भाजपा पार्षद ने इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने महिलाओं की शिकायत पर मामला दर्ज नहीं किया है। इस मामले को लेकर भाजपा भी एक्टिव है और भाजपा जिला अध्यक्ष ने पार्षद को नोटिस जारी किया है। भाजपा पार्षद रवि वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़खानी की। इसके बाद इन महिलाओं ने शाहपुरा हॉकर्स कॉर्नर में भाजपा पार्षद की पिटाई लगा दी। पार्षद में इस मामले में महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। ये मामला पार्षद की दबंगई से जुड़ा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने बताया दोनों ही पक्ष थाने में अपनी अपनी शिकायत दर्ज कराने आए थे, जहां पार्षद द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा पूर्व में गुमटी माफिया के खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई कराई गई थी, जिसके चलते पहले भी उनका एवं राहुल मीना, विक्रम मीना और पारस मीना से विवाद हुआ था। इसके बाद वो जब गुमटी माफिया की दुकान के पास बैठे थे, तभी राहुल मीणा के परिवार की महिलाओं ने उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। वहीं दूसरी ओर महिला पक्ष ने भी छेड़छाड़ की बात कही और छेड़छाड़ की शिकायती आवेदन भी पुलिस को दिया है। पुलिस द्वारा दोनों ही पक्षों की शिकायत दर्ज कर ली गई है। जाँच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद पार्षद राहुल मीणा ने भी अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें उनके द्वारा पूरे घटनाक्रम को बताया गया है। बताते हैं भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और पार्षद को नोटिस जारी किया है। ये तीनों भाई राहुल मीना, पारस मीना, विक्रम मीना, राहुल मीना अभी जो कि रेप कांड में भोपाल जेल में बंद है, पारस मीना लगातार मेरे पीछे कुछ ना कुछ संदिग्ध गतिविधियां करता रहता था। मैं आज जब अवतार राजपूत की दुकान पर चाय पी रहा था तो इनने सोची समझी रंजिश के तहत मेरे ऊपर जानलेवा हमला अपनी घर की महिलाओं से करवाया। साथ में वह स्वयं भी था। मैं अनुसूचित जाति वर्ग से आता हूँ। मैंने अपने परिवार का एकमात्र पहला इंजीनियर हूँ और मैं इस तरीके किसी भी कृत्य में संलिप्त नहीं रहता हूँ। मेरी दुकान के अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई करने के कारण ये लोग मेरे से रंजिश पाल के बैठे थे और मेरे विरुद्ध आए दिन कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहते थे। एक्चुअली अरविंद कुमार वर्मा की तरफ से FIR ली गई है। अभी इसमें उसका ये कहना था कि वहाँ पे उसका दोस्त था अवतार सिंह राजपूत, तो उसकी चाय की दुकान है, वहाँ पे बैठ के चाय पी रहे थे। तो बगल में इनकी भी दुकान है, पारस मीना की भी दुकान बगल में ही है, तो वो लोग आके गाली गलौज और मारपीट करने लगे। ये तो वीडियो वायरल होने के बाद जब दोनों पक्ष थाने आए तो दूसरा पक्ष का ये कहना है कि ये मेरे साथ इस तरह का आवेदन प्रस्तुत किया है, तो वो आवेदन की भी जांच होगी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस बेस पे आगे कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।